सातवां प्रश्न, एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस थ्री यदि एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस टू एक्स यदि एक्स जो है माइनस तीन से तीन के बीच में है, और सिक्स एक्स प्लस टू यदि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। यहाँ पर हमें दो क्रांतिक बिंदु मिलेंगे, एक्स बराबर माइनस तीन और एक्स बराबर तीन। पहले इन दो बिंदुओं पर सर्वाधिक संभावना है कि इनमें से किसी बिंदु पर फलन असतत हो, बाकी सभी बिंदुओं पर सतत होगा, क्योंकि अब अंतराल बचे हुए हैं x इज लेस देन थ्री के लिए और x जो है माइनस थ्री से तीन थ्री तक, माइनस थ्री और थ्री के बीच में एक अंतराल ये होगा, दूसरा है x ग्रेटर देन थ्री के लिए। पहले हम x बराबर माइनस थ्री पर टेस्ट करते हैं, फिर x बराबर थ्री पर। तो x बराबर थ्री पर सततता की जांच, सततता की जांच, पहले f थ्री पर ने माइनस थ्री पर निकाल रहे हैं तो माइनस होना चाहिए, माइनस थ्री बराबर, और माइनस थ्री से माइनस थ्री बराबर अगर है तो ये सूत्र लगेगा, उसे हम लगा लेते हैं, ये तीन प्लस तीन यानी कि छः, समीकरण एक कर सकते हैं। लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट लगा लेंगे, लेफ्ट एल एच एल यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस थ्री माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये जीरो माइनस माइनस थ्री माइनस एच प्लस थ्री बराबर लिमिट, जरूरत नहीं है एच टेंस टू जीरो होगा तो फिर निकालेंगे माइनस थ्री माइनस जीरो प्लस थ्री यानी कि माइनस थ्री का मोड थ्री प्लस थ्री यानी कि सिक्स, ये समीकरण दो। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ माइनस थ्री प्लस एच बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो यहाँ पर x से लेस के लिए तो ये परिभाषा लगेगी, तो ये आएगी माइनस टू गुणा और x का यहाँ पर रखेंगे माइनस थ्री प्लस एच। अब एच टेंड्स टू जीरो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू गुणा माइनस थ्री प्लस जीरो यानी कि छः, समीकरण एक दो तीन से स्पष्ट है कि x बराबर माइनस तीन पर फलन सतत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर माइनस तीन पर फलन सतत है। अब x बराबर तीन पे देखते हैं क्या आएगा, x बराबर तीन पर सततता की जांच, f3 निकालेंगे, x बराबर तीन के लिए ये परिभाषा है, छः गुणा तीन प्लस दो यानी अट्ठारह प्लस दो यानी कि बीस, समीकरण तीन तक हो गया था ये चार हो गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो थ्री माइनस एच और तीन से छोटे की तो परिभाषा ये है, तो ये लगा देते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस टू गुणा थ्री माइनस एच, जब एस टेंस टू जीरो होगा तो ये माइनस टू गुणा माइनस थ्री माइनस जीरो यानी ये छ आएगा। अब हो गया ये पांचवा समीकरण।
अब यहीं से पता लग रहा है कि सतत नहीं हो सकता, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 20 है, फिर भी हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। आर एच एल बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो 3 + 8 एस टेंड्स टू जीरो। अब 3 + h ये परिभाषा लगेगी, यानी 3 से बड़ा है ना, 3 में कुछ जुड़ गया है प्लस का, एच का मतलब प्लस की कोई छोटी से छोटी संख्या, तो ये हो गया, ये लगेगा 6 × 3 + h और प्लस 2 लिमिट एच टेंड्स टू जीरो करेंगे तो यहाँ 6 × 3 + 0 + 2 ये आएगी 6 × 18 = 20। समीकरण 6 x = 3 पे फलन सतत नहीं है। समीकरण 4, 5, 6 से स्पष्ट है कि ये f3 और ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, यही बात यहाँ पर लिखते हैं। अब हम करते हैं अंतराल x < 3 के लिए, अंतराल x < -3 के लिए माना एक बिंदु है सी जो x < -3 से बिलोंग करता है। इससे पर हमने एक बिंदु ले लिया इस अंतराल में, वहीं पर टेस्ट करेंगे, क्योंकि परिभाषा सेम है तो इसलिए ये सब के लिए एक जैसा व्यवहार करेगा। तो f x < 3 में जो c लिया है वहाँ एफ सी का मान निकालेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि कौन किस सी परिभाषा हम यूज करेंगे, तो एफ सी का मान इसी परिभाषा में रखेंगे तो ये आ गया 3। तो इसे हम अगर पॉजिटिव सी है तो हमारा यही मान रहेगा, और अगर सी नेगेटिव है तो फिर मान ये रहेगा, फिर सी प्लस 3 नहीं होगा। तो हम इसे इतना ही छोड़ते हैं और लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c करेंगे क्योंकि बिंदु c है ना, इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परिभाषा एक ही रहनी है, तो इसलिए x टेंड्स टू c करेंगे और fx कर देंगे। fx की परिभाषा ये लगेगी, यानी लिमिट x टेंड्स टू c और यहाँ पर लिख देंगे x + 3, यानी कि मॉड ऑफ c प्लस 3। ये परिभाषा 4, 5, 6, 7 हो गया और ये 8 + 8 में हो सकता है, ये बराबर नहीं है। समीकरण 7 तथा 8 से एफ सी बराबर नहीं, बराबर है कि दोनों का मान सेम आ रहा है, बराबर लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और एफ एक्स, और ये सब कुछ बराबर है सी प्लस 3 की। अतः एक्स बराबर अंतराल x < -3 में फलन सतत है, x = 3 पर फलन असतत है, सतत नहीं है। अभी एक बिंदु मिला है, बाकी सब सतत आ रहे हैं, एक असतत है। ऐसे ही हम इसमें भी देख सकते हैं, बहुपदी पर है ना, इसलिए सतत होगा,
हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब अंतराल x लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3 के लिए ले लेते हैं, तो एफ एक्स का मान यहाँ पर आ रहा है -2x। हम देख सकते हैं ये इस अंतराल के लिए -2x है। हम इसी पर अपना लिमिट भी निकालेंगे, मान भी निकालेंगे। माना अंतराल -3 से 3 के बीच सी जो है इसके अंदर है, एक बिंदु ले लिया -3 और ये करके। अब इसी पे हमें निकालना है एफ सी की वैल्यू, यही सूत्र लगना हो चाहिए। ये -2c, अभी 8 तक हमने निकाल लिए थे ये। अब नवा समीकरण कर सकते हैं, अब लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू सी, क्योंकि अंतराल है इसलिए दाई बाई से लिमिट की आवश्यकता नहीं है, तो लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंड टू 3। और जो ये है मान रखते हैं इसमें 2x सी 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 रख देंगे, तो -2 से ये देखिए दसमा बराबर आ गया। कहता है अंतराल -3 से 3 के बीच फलन सतत हो गया भाई। इसी प्रकार हम ग्रेटर देन 2 के लिए निकाल सकते हैं, ग्रेटर देन 3 के लिए, तो इसको यही निकाल लेते हैं। अंतराल में फलन सतत, यहां भी सतत आ गया है। अब x ग्रेटर देन 3 के लिए माना C बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 3, तो एफ सी की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 6c प्लस 2 आ जाएगा। और ऐसे ही लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c और एफ एक्स, और ये जाहिर सी बात है यही आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 6x प्लस 2। अब x के सी आना चाहिए, 6c+2, ये देखिए सेम आ गया। तो x बराबर x ग्रेटर देन 3 के लिए भी फलन सतत है, केवल एक बिंदु आया है x बराबर 3 जहां पर फलन सतत नहीं है। हम लिख सकते हैं अंतराल x ग्रेटर देन 3 के लिए फलन सतत है, अतः असांतत्यिक आबिंदु x बराबर 3 है। अतः असांतत्यिक आबिंदु असांतत्यता का बिंदु x बराबर 3 है, बाकी सभी बिंदुओं पर ये फलन सतत है।